हाय ऑल, दिस इज अंजलि। सो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टैक्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स जब हम पढ़ते हैं तो स्टैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो इन पर्पसेस वेयर आई जस्ट नीड टू इंसर्ट एट द टॉप एंड आई नीड टू डिलीट फ्रॉम द टॉप। स्टैक को हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहते हैं। अब जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है एक ऐसा डेटा टाइप जो कि अपने ऑपरेशंस के थ्रू डिफाइन होता है। सो इफ आई राइट द डेफिनेशन, इट वुड बी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज समथिंग विच इज डिफाइंड बाई द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन इट रादर देन सम अदर स्टोरेज टेक्निक। सो स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जहाँ पे हम इंसर्शन करते हैं टॉप पे और डिलीशन भी करते हैं टॉप से। सो यहां पर सिर्फ दो ऑपरेशंस ही अलाउड हैं, एक है जिसे हम कहते हैं पुश, दैट मींस इंसर्ट एट टॉप। सेकेंड ऑपरेशन इज कॉल्ड एज पॉप, दैट इज डिलीट फ्रॉम टॉप। So when you insert at top, that's called push. When you delete from top, it's called pop. अब ये तो simple definition है कि stack होता क्या है। अब हम stack को implement कर सकते हैं। Stack को अगर मुझे coding में implement करना है, मैं उसे C में भी implement कर सकती हूँ, Java में भी implement कर सकती हूँ, Python में भी implement कर सकती हूँ। But implement करने का फायदा क्या है? What are the applications of stack? Stack हम क्यों use करते हैं? तो सबसे पहले कि इससे पहले कि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करें, हम देखेंगे हम उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैक एप्लीकेबल है कहाँ पे, कहाँ आपको स्टैक को यूज़ करना होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन आपने अभी तक कंप्यूटर पे जब भी काम किया है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या इवन आप गेम्स भी खेलते हो, तो आजकल गेम्स में भी हमारे पास ऑप्शन होती है अंडू की। देखिए, आई होप आप सबने अंडू ऑप्शन कभी ना कभी लाइफ में जरूर यूज करे होंगे। तो जब आप अंडू करते हो तो क्या होता है? जो भी लास्ट काम हमने किया होता है वो कैंसिल हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो मैंने अंडू पे क्लिक किया, उसका क्या मतलब है कि जो भी लास्ट काम मैंने किया है वो कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ लास्ट काम होगा, अगर मैंने पीछे 10 काम किए हैं तो उन 10 काम में से जो आखिरी काम है वो पहले कैंसिल होता है। मैं फिर से अंडू पे क्लिक करती हूँ तो मेरा वो 9th लास्ट जो काम है वो कैंसिल होगा। फिर से अंडू करूंगी तो 8th वाला कैंसिल होगा। सो जो सबसे टॉप पे है, मतलब जो सबसे आखिर में किया था, वो सबसे पहले कैंसिल होता है। दैट इज वन ऑफ द मेजर एंड वेरी कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो वो चीज जो इम्प्लीमेंट की गई है वो भी तो कोडिंग से की गई है ना, किसी ना किसी ने तो अंडू की कोडिंग भी करी है। तो वो कोडिंग किसकी हेल्प से हुई है? स्टैक की हेल्प से। सो दैट्स वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अनदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, सोचो और कमेंट्स में लिखो। सो लेट मी सी आप में से कितने लोग सोच पाते हैं, कितनी एप्लीकेशन सोच पाते हैं कि स्टैक की जो आप नॉर्मली कंप्यूटर यूज करते हो उसमें कहाँ कहाँ स्टैक एप्लीकेबल हो सकता है। सो पुट सम प्रेशर ऑन योर माइंड, थिंक कि ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जहाँ स्टैक एप्लीकेबल होता है। राइट डाउन दोज ऑप्शंस इन द कमेंट्स बिलो सो दैट मैं भी आपकी एनालिसिस स्किल्स देखूँ कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हो। ओके, एंड बताना ज़रूर कमेंट्स में। नेक्स्ट एप्लीकेशंस में आ जाता है फंक्शन कॉल्स। हमने ये देखा कि हम अगर C++ जावा में कोडिंग कर रहे हैं तो हम कोडिंग कहाँ से शुरू करते हैं? मेन से। सो मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होती है। पाइथन में भी आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हो। नाउ वी कैन कॉल फंक्शंस। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, वो फंक्शन आगे तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। सो जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे जाता है, वहां पे पिछला वाला रुक गया, अभी वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो फर्दर किसी और को कॉल करता है तो वो सेकेंड वाला भी रुक जाएगा, थर्ड वाला चलेगा। सबसे पहले खत्म कौन सा होगा? थर्ड वाला। फिर उससे पीछे आएगा फिर सेकेंड वाला, वो खत्म होगा तो हम फर्स्ट वाले पे वापस जाएंगे। सो फंक्शन कॉल्स जो होती हैं वो भी कैसे होती हैं? स्टैक की हेल्प से। सो फंक्शन कॉल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैक्स। देन रिकर्शन। रिकर्शन भी क्या है? फंक्शन कॉल्स ये है कि फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है। सो व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, इट कीप्स कॉलिंग इट।
जब रिटर्न होना शुरू होता है तो वो एक एक स्टेप करके पीछे आता है, यानी कि सीधा पीछे आ जाएगा. सो वो भी रिकर्शन की हेल्प से होता है. सो ऐसे जो भी काम हम करते हैं जहाँ पर एक एक स्टेप करके हम पीछे आते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैक की हेल्प से परफॉर्म करना. इसमें से कुछ एप्लीकेशंस के प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. इवैल्यूएशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है. पहला स्टेप जो उसमें होगा वो होता है पेरेंथेसिस चेकिंग. सेकेंड स्टेप होता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन. और थर्ड स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं लॉजिक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इनकी हेल्प से हम लॉजिक बिल्ड करते हैं कि स्टैक एक्चुअली में कहाँ पर एप्लीकेबल है. तो पहले तो हम ये करेंगे कि स्टैक इम्प्लीमेंट कैसे होता है. सो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन सी लैंग्वेज, क्योंकि अभी हम सी को फोकस करके कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. सो पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम सी में स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. वी विल बी परफॉर्मिंग पुश एंड पॉप ऑपरेशंस. वंस वी डू दैट, उसके बाद हम उन्हीं ऑपरेशंस को यूज करके बनाएंगे प्रोग्राम जहाँ पर हम पेरेंथेसिस चेक करेंगे. आपने एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनपुट की लाइक ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी, और इसमें यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स है, तो आपको ये चेक करना है कि पेरेंथेसिस प्रॉपर है या नहीं. मतलब जितनी खुली है उतनी बंद भी हो रही है या नहीं, या प्रॉपर लाइक आपने ओपन तो स्मॉल वाली करी है लेकिन क्लोज आप कर्ली ब्रैकेट कर रहे हो. सो दैट नीड्स टू बी चेक्ड. सो वी हैव टू चेक कि जो ब्रैकेट्स हैं वो प्रॉपर लगाई गई हैं या नहीं लगाई गई हैं. सो दैट्स फर्स्ट प्रोग्राम. देन वी विल बी कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. ये जो एक्सप्रेशन है ये इनफिक्स में है, मतलब जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में होता है. सो अगर मैं लिखती हूँ ए प्लस बी, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है तो वो इनफिक्स है. अगर आप प्लस ए बी लिखते हो तो वो प्रीफिक्स है, और अगर आप ए बी प्लस लिखते हो तो वो पोस्टफिक्स है, जिसे हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी कहते हैं. सो रिवर्स पॉलिश नोटेशन बोले या हम उसे पोस्टफिक्स बोले, इट मीन्स द सेम थिंग. सो वो पोस्टफिक्स नोटेशन जो है वो कैसे निकालते हैं इनफिक्स से, पहले मैं आपको वो समझाऊंगी दैट हाउ टू फाइंड इट, एंड देन वील कोड फॉर इट. कंप्यूटर वो कैसे करेगा कि मैं कंप्यूटर को एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दूँ और वो उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करे, ठीक है. एज वेल एज वील डू कि प्रीफिक्स में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट एक्चुअली सिस्टम जो है वो पोस्टफिक्स के साथ काम करता है. बट जस्ट टू बिल्ड आवर लॉजिक, जस्ट टू मेक मोर गुड कंसेप्ट, वी कैन ट्राई कन्वर्टिंग इट टू प्रीफिक्स एज वेल. थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनी है अब उसको वो सॉल्व कैसे करेगा. वो भी किसकी हेल्प से होगा, स्टैक की हेल्प से. तो ये तीनों काम होंगे स्टैक की हेल्प से. स्टैक की हेल्प से ही हम पेरेंथेसिस चेक करेंगे, स्टैक की हेल्प से ही इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट होगा, और स्टैक की हेल्प से ही वो फाइनली इवैल्यूएट होगा. और इसका ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज इससे आपकी जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनको कैलकुलेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. हम कम टाइम में ज़्यादा बेटर तरीके से अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक्स. सो वी वुड बी कोडिंग फॉर दैट. सो अभी इस वीडियो में आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि स्टैक क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है. एंड स्टैक दोनों तरीके से बन सकता है, एरेस को यूज करके एज वेल एज लिंक लिस्ट को यूज करके. तो अभी हमने लिंक लिस्ट नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ एरेस किया है. तो अभी पहली इम्प्लीमेंटेशन हम एरेस को यूज करके करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में आई वुड बी स्टार्टिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक्स यूजिंग एरेस. तो हम स्टैक का कोड करेंगे एरेस की हेल्प से. तो पहले हम इसके बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उसके बाद से हम परफॉर्म करेंगे अपने ये तीनों टास्क कि किस तरह से हम स्टैक को अप्लाई करके ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल. इफ येस, डू क्लिक द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो विद अदर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड हु लुक अपॉन द करियर एज अ प्रोग्रामर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.